यस चिल्ड्रेन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनके हिंदी वाक्यों में लास्ट में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उनके हिंदी वाक्यों में लास्ट में क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ या फिर था, ई थी, ए थे, यानी कि मैं काम कर चुका था, मैं खाना खा चुकी थी, मैं घर आ चुके थे, तो लास्ट में क्या लगा होता है, था, थी, थे लगा होता है और चुका चुकी भी लगा होता है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हमने आपको पहले क्या बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या रूल थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके रूल ये थे कि आपको किसका यूज़ करना था, हैज़ हैव का यूज़ करना था और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म। यानी कि सिंगुलर था तो आपने किसका यूज़ किया था, हैज़ का, और प्लूरल था तो आपने हैव का यूज़ किया था। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उसके अफर्मेटिव में क्या होता है कि आपको हैज़ हैव का यूज़ नहीं करना होता और ना ही कोई सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज़ होता, बल्कि क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। अब देखिए ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ भी हम हैड का यूज़ करेंगे, और दे क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ भी हम हैड का यूज़ करेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म। तो प्लेट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्ले की, यानी कि प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेट, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाए, सब्जेक्ट क्या है, ही, देन हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फुटबॉल। यानी कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल आपको क्या यूज़ करना है, हैड। लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस नॉट, यानी कि आपको नॉट का यूज़ करना होता है या फिर नेवर का यूज़ भी हम कर सकते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट, यानी कि आपको वर्ब से पहले नॉट लगा देना, ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। लेट्स सी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, वर्बल और प्रीनोमिनल। तो वर्बल में क्या होता है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उन्हें हम पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड हम पहले लिखते हैं। तो उसमें क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, ही क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या कर लिखेंगे, हैड, हैड ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, हैड ही प्लेड फुटबॉल, हैड दे प्लेड फुटबॉल। प्रीनोमिनल क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं वर्बल क्वेश्चन में, बाकी सब सेम रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड वेयर, हैड ही प्लेड, हमने क्या किया वर्बल क्वेश्चन में ही क्या किया, वेयर ऐड कर दिया, वेयर हैड ही प्लेड फुटबॉल, वैन हैड दे प्लेड फुटबॉल, यानी कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर इंटरोगेटिव निगेटिव होते और इंटरोगेटिव भी होते निगेटिव भी, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर हैड ही नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। सिमिलरली वैन हैड दे नॉट प्लेड फुटबॉल, ऐसे इसमें करेंगे, वैन ही नॉट प्लेड फुटबॉल, यानी कि वर्बल क्वेश्चन में भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, वैन दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में के रूल क्या होते हैं कि आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, और क्वेश्चन में क्या करेंगे, हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और प्रीनोमिनल क्वेश्चन में क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड पहले ऐड कर देंगे, हैड से पहले, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट टेंस वेरी वेल।